25 जून 1975 को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल लगाया था, जिस फैसले को गलत बताते हुए भाजपाइयों ने इस दिवस को काला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहादतगंज स्थित भाजपा कार्यालय में आपातकाल को काला दिवस के रूप में मनाया। बेसिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने इस दौरान बताया कि तत्कालीन इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने जनता के ऊपर बहुत अत्याचार किए, जनता को भूखा रखा, उनके नाखून उखाड़े, नेताओं को जेल में डाला, अखबारों को बंद करवा दिया, भाषणों और प्रदर्शनों तक रोक लगा दी गई। एक हमारी सरकार है जिसमें सबको समानता का अधिकार है, किसी भी तरह से कोई प्रताड़ित नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जनता हर प्रकार से सरकार से खुश है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर पूछे गए सवाल पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत जल्द ही प्रदेश में एक शिक्षा नीति लागू होने वाली है। वहीं प्राथमिक विद्यालय में उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था भी जल्दी लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। विराट 24 न्यूज के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। 25 जून को काला दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि वर्तमान में हमारी सरकार चल रही है जो किसी भी प्रकार का जहाँ ना भेदभाव है, कोई चीज़ हमारे मार्ग में अवरोध नहीं बन के आई है, सबके लिए समान अधिकार दिया जा रहा है, सबको सम्मान मिल रहा है, सबको प्रेम मिल रहा है और सबके लिए हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं उनका लाभ मिल रहा है। उसके ये बताते हुए हम ये बताते हैं कि एक सरकार वो भी रही जिसने किस प्रकार से अत्याचार में हमारी जनता के लिए पीसा, नखून उखड़वाए, उनको भूखा रखा, उनको पेड़ों से बांध बांध के उनको यातनाएं दी, जितने नेता थे उनको जेल में डाला, जितनी स्वयंसेवी संस्थाएं थी उनके नेताओं को जेल में डाला, अखबारों पर प्रतिबंध लगाया, भाषणों पर प्रतिबंध लगाया, प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाया, लोगों का जीवन जो है दूभर कर दिया। ये सारी चीज़ों की हम उनको याद दिला रहे हैं कि ऐसा अध्याय भविष्य में कभी भी नहीं आना चाहिए।